नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में और मैं करिश्मा आपके साथ। पटना के सिविल कोर्ट में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस विस्फोटक को लेकर सिविल कोर्ट आई थी, जहां कोर्ट का आदेश लेने के लिए उसे एपीओ के रूम में रखा गया था कि इसी दौरान वो ब्लास्ट कर गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनमें कदमकुआं थाने का एक दारोगा भी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे संवाददाता मरगुवाला। पटना के सिविल कोर्ट में कदमकुआं थाने में के दौरान छापेमारी के दौरान जो कुछ एक्सप्लोसिव बरामद किए गए थे, उसे पुलिस की टीम यहां जमा करने आई थी। इसी दौरान कदमकुआं थाने के, कह सकते हैं, में जो बरामद किया गया एक्सप्लोसिव था, उसे जब टेबल पर यहां रखा गया, उसे एग्जिबिट कराने के लिए कोर्ट से, उसी दौरान एपीओ के कार्यालय में जैसे ही दरोगा ने रखा, वो ब्लास्ट कर गया। उसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल तत्काल वहां तो घायल दरोगा को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत, कहा जा रहा है, उसे कई जगह गंभीर चोटें हैं। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है, मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल फोरेंसिक की टीम को भी लाया गया है। डीएसपी टाउन मौके पर पहुंचे थे और अभी भी कह सकते हैं कि वहां जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में, उस ऑफिस को बंद कर दिया गया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पटना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, क्या लापरवाही के कारण यह ब्लास्ट हुआ है या अन्य वजह से। उसके बाद हम देख सकते हैं सिविल कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है और सभी व्यक्तियों को देखा जा रहा है। यहां से पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो कहा यही जा सकता है कि एक बड़ी घटना घटी है, लेकिन फिलहाल दरोगा को पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है और उसकी स्थिति अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसके शरीर में कई स्थानों पर गंभीर चोटें आई हैं। मरगो बालम पटना। दारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए, आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके। मरगूब, सिविल कोर्ट में इस तरह से ब्लास्ट होना, कहने के सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आखिर इतने बड़े ब्लास्ट को लेकर अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में कैसे, ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन? देखिए, ये आप अगर इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि सुरक्षा में चूक है, क्योंकि पुलिस का अधिकारी ही एक्सप्लोसिव लेकर के वहां गया था। इसमें मामला ये है, ये सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही का मामला है जी। इसलिए पुलिस की लापरवाही का मामला था। इस तरीके से एक्सप्लोसिव या बम कोर्ट के अंदर लेके नहीं जा सकते। इस तरीके से आप लापरवाही से उसको किसी टेबल पर नहीं रख सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश लेना होता है किसी भी एक्सप्लोसिव या बम बरामदगी के बाद उसे एग्जिबिट करने के लिए, उसके फोरेंसिक जांच के लिए। ये जिस तरीके से लेके गए, वहां इनको लेके जाना ही नहीं था, ये रूल ही नहीं है लेके जाना। आप कोर्ट एक्सप्लोसिव और बम ले जाके इस तरीके से हाथ में झोला में ले जा करके आप कोर्ट के एपीओ रूम के अंदर रख दें और वहां पर खड़े रहें, ये रूल नहीं है जी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही है। कदमकुआं पुलिस की लापरवाही है, कदमकुआं थाना अध्यक्ष की लापरवाही है जी। और इस मामले में तीन लोग घायल हुए, जो हमारे पास जानकारी है जी। एक दरोगा, दो अन्य लोग घायल है, सभी का इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है। दरोगा के हाथ में गंभीर चोट है, उसका भी इलाज किया जा रहा है। कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और वहां अभी जांच की जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटेल छात्रावास में जो रेड हुआ था, आपको याद होगा करीब, उसमें बारूद और वहां बम बनाने के सामान मिले थे। बिल्कुल, उसी बारूद को लेकर के ये लोग वहां गए हुए थे कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने उस बारूद जो रखा हुआ था, उसको इन्होंने ले जाकर के एपीओ के रूम में रखा। रखने के बाद वहां वो बात करने लगे अभियोजक से, जो सरकारी वकील होते हैं। इसी दौरान वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट किया तो उसमें दरोगा का हाथ जख्मी हो गया बुरी तरीके से, दो अन्य लोग जख्मी है, सभी का इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये सीधे तौर पर कदमकुआं पुलिस की लापरवाही है, रूल रेगुलेशन नहीं है। आप इस तरीके से किसी भी कोर्ट के अंदर एक्सप्लोसिव बम ले जाकर के नहीं दिखा सकते, नहीं ले सकते। उसका एक अलग रूल है, ले जाने का एक अलग ये है, क्योंकि उसको संभाल के आपको ले जाना है। आपको पता है कि बम एक्सप्लोसिव के अंदर अगर थोड़ा सा उसमें हीट आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं पंप हो जाएगा, थोड़ा सा धक्का लग गया तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये तो खतरा है ना, इस खतरा के बारे में
इस खतरा के बारे में पुलिस को पता है, तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में लापरवाही है। बिल्कुल देखिए, बड़ी लापरवाही मरगूब सामने आई है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।